शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आपको सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ आज हम बात करेंगे सिंह लगन में बुध देवता की प्लेसमेंट की। प्रिय दर्शकों, सिंह लगन में सूर्य देव ने बुध देवता को अपनी मित्रता निभाते हुए दो बहुत अच्छे डिपार्टमेंट्स दिए हैं, धन कुटुंब वाणी का डिपार्टमेंट और लाभ का डिपार्टमेंट। यानी धन कुटुंब वाणी में यहाँ 6 नंबर लिखा है, इसका मालिक बुध बना, और 11वें घर में 3 नंबर लिखा है, इसका मालिक बुध। यानी लाभ का डिपार्टमेंट और धन कुटुंब वाणी का डिपार्टमेंट दोनों ही सूर्यदेव ने अपनी मित्रता निभाते हुए बुध देव को दिए। बुध देवता इस कुंडली में सूर्यदेव के बाद सबसे योग कारक ग्रह गिना जाता है। प्रिय दर्शकों, इस विद्या को सही पढ़ने वाला, सही दिशा देने वाला, सही ज्ञान रखने वाला सदैव सिंह लग्न की कुंडली में दूसरे घर के मालिक को कारक कहेगा, क्योंकि वो लग्नेश के साथ अति मित्रता रखता है। और ऐसे दोनों डिपार्टमेंट रखता है जो आज के इंसान में हर कोई जातक चाहता है। हर कोई बंदा ये चाहता है कि मेरे पास धन हो, वाणी हो, परिवार हो, लाभ हो। ये हर बंदे की बेसिक जरूरत बन चुकी है आज की डेट में। तो सिंह लग्न में बुध देवता जहाँ जहाँ जाएंगे, जहाँ बैठेंगे, जहाँ देखेंगे, उस घर की वृद्धि कर देंगे। क्यों? क्योंकि इस लग्न कुंडली में कारक ग्रह हैं। कारक की डेफिनेशन मैंने ये पहले भी आपको बताई थी, आज मैंने फिर रिपीट की कि जहाँ बैठना, जहाँ देखना, जहाँ जाना कारक ग्रह का मूल रूप माना जाता है, मूल नियम माना जाता है, वो उसी हिसाब से फंक्शन करता है। आइए दर्शकों, बात प्लेसमेंट्स की करें। अगर सिंह लग्न में ही बुध बैठा हो तो लगन में बैठने से बुध दिशा बली हो गया। वो लाभ को लेकर के और धन कुटुंब वाणी को लेकर के अपने सर के ऊपर बैठ गया। ये इस कुंडली के लिए बहुत अच्छा हो गया। अगर उसमें डिग्री वाइज जरा सा भी बल होगा तो जातक बहुत बुद्धिमान होगा। तो जातक जितनी दृष्टि दाम्पत्य सुख पे पड़ेगी, पत्नी के लिए अंडरस्टैंडिंग नेचर का हो जाएगा। वो जातक हर जगह कैलकुलेटिव माइंड हो जाएगा, वो सोच समझ के बोलने वाला हो जाएगा, हर चीज का सही रिएक्शन सही टाइम पे देने वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बुध बुद्धि का भी कारक है। अगर वो सर पे बैठा होगा तो उस कुंडली के एडवांटेज में आ जाएगा, कुंडली को उसका बहुत एडवांटेज मिलेगा। उस जातक को कभी धन की, परिवार की कभी कमी नहीं आने वाली, परिवार के लिए भी वो जातक सदा अच्छा माना जाएगा। अगर बुध देवता दूसरे घर में उच्च के ओन साइन के, बुध ही कैसा ग्रह है प्रिय दर्शकों, जो अपने ही घर में अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में उच्च का भी होता है, अपनी ही राशि में वो ओन साइन का भी होता है। बाकी कोई ग्रह भी अपनी राशि में उच्च के नहीं होते, सिर्फ एक बुध देवता ही अपनी मूल त्रिकोण राशि में उच्च का होता है। अगर दूसरे घर में वो ओन साइन का पड़ा हुआ, उस जातक को कभी धन की कमी नहीं आने वाली। वो जातक वाणी में बहुत मीठा होगा, उसको परिवार का हर सुख मिला होगा, वो वाणी से ही बहुत अच्छे अच्छे बिगड़े हुए काम निकाल लेगा। क्यों? क्योंकि बुध वाणी का कारक होके वाणी के ही भाव में चला गया और उच्च का हो गया, बहुत अच्छा बोलने वाला होगा, कभी जल्दी गाली गलौच नहीं करेगा किसी से, लड़ाई झगड़ा भी करेगा तो उसकी वाणी में एक लिमिटेशन होगी, वो कभी किसी को जल्दी बुरा नहीं बोलने वाला, धन के अभाव में वो कभी नहीं रहने वाला, सदैव धन का एडवांटेज मिलने वाला, कितना भी धन की जरूरत आन पड़े उसको, लेकिन कहीं से उसे वो मिल जाने वाला है। या पंजाबी में हम कह लें कि तो ना कि तो यार जुगाड़ हो गया। तो दैट थिंग कम्स इन दिस कुंडली, के ये यहाँ की कुंडली में आ जाती है अगर बुध उच्च का अपने ही घर में सेकेंड हाउस का पड़ा हो। बुध देव तीसरे घर में आ गए तो उसे मेहनत से धन कमाना पड़ेगा, अपना धन और लाभ उठा के छोटे भाई बहनों को दे दिया तो ये इस कुंडली के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। उसे हर काम अपनी मेहनत के अकॉर्डिंगली ही करना पड़ेगा, हर काम में भागदौड़ होगी, हर काम में हार्डवर्क होगा, हर काम में छोटी यात्राएं होंगी, उसके बाद ही उसे धन अर्जित होगा। अगर बुध देव चौथे घर में पड़े हों कुंडली के तो अच्छा हो गया। क्यों? क्योंकि अपना धन और लाभ उठा के माता को दे दिया,
जब से वो जातक पैदा हुआ, माता खुद कहेंगे कि इसके बाद मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिली, मेरे हाथ में पैसा टिकना शुरू हो गया, मुझे घर की कमाई ला के ये देने लग गए और मेरे इसकी इम्प्रूवमेंट आ गई। यहाँ से कर्म पे दृष्टि डालेगा। जब बुध की दशा अंतरदशा चलेगी तो कामकाज में भी उस जातक को लाभ मिलेगा। कामकाज में तरक्की, इम्प्रूवमेंट, लाभ मिलना तय है। बस शर्त सिर्फ इतनी है दोस्तों, ये याद रखिएगा, बेसिक रिमेंस द सेम मतलब डिग्री वाइज उसकी कैपेबिलिटी और उसका षडबल ज़रूर होना चाहिए, तभी वो फल दे पाएगा। अगर उसका बलहीन हुआ, जीरो डिग्री हुआ या अस्त हुआ, तो वो कभी फल नहीं दे पाएगा। यहाँ अगर बुध आ जाता है कुंडली के पांचवें घर में, बुद्धिमान हो गया जातक, यहाँ से अपने घर को दृष्टि डाली, हमेशा लाभ कहीं ना कहीं से उसको ज़रूर अर्जित होगा। परिवार के लिए बहुत अच्छा हो गया, परिवार को अनसर्टेन गेन हो सकता है इसमें, परिवार के लिए वो एडवांटेज वाला बच्चा होगा, परिवार के लिए वो सुख लेकर के आएगा, अनसर्टेन लाभ लेकर के आएगा, कहीं ना कहीं से ऐसा लाभ मिलने वाला है जो परिवार ने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरे जी परदादा जी ने वो प्रॉपर्टी खरीदी थी, आज करोड़ों की हो गई, आज हमें उसकी वैल्यू मिल रही। तो ऐसे अनसर्टेन गेन यहाँ बुध देवता लेके आएगा, अगर बुध देवता पंचम राशि में धनु के पड़े, पंचम घर में धनु राशि के पड़े होंगे, तो वह ऐसी स्थिति क्रिएट कर देगा। बुध देवता छठे भाव में पड़े हों, यानी मकर राशि के पड़े हों कुंडली, तो वही ग्रह अति मारक हो गया। और यहाँ कभी भी जिंदगी में पन्ना मत पहनिएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ वो सदैव अशुभता के फल देगा। यहाँ सिर्फ एक ही कंडीशन में पन्ना पहना जा सकता है, अगर बुध अस्त हुआ तो। अगर वो अस्त नहीं होगा तो यहाँ पन्ना पहनने का मतलब है अपने लाभ को और अपने धन कुटुंब वाणी को दोनों को खड्डे में रख देना, दोनों को प्रॉब्लम्स में फंसा देना, दोनों को दिक्कतों में, कोर्ट केस, लिटिगेशन में फजूल खर्चे होने, हस्पताल में फजूल खर्चे होने, हस्पताल के व्यय के बाद भी रिजल्ट्स ना मिलने, जातक का ठीक ना होना, वो कंटिन्यूसली लंबी बीमारी में गिर जाना, ऐसे फल बुध देवता छठे घर में बैठा हुआ देगा, अगर आपने उसको एक्टिवेट कर लिया तो। यहाँ एक्टिवेट नहीं करना है, यहाँ उसको पाठ पूजन और दान करके डिक्रीज करना है आपको। अगर बुध देवता सातवें घर में पड़े हों, अच्छे हो गए। क्यों अच्छे हो गए? क्योंकि ये उसके अति मित्र का घर है और अति मित्र का घर पत्नी का घर बन गया और लाभ और धन कुटुंब वाणी दोनों उठा के पत्नी को दे दी। जब से जातक बोलेगा मेरी मैरिज हुई है जी, तब से मेरा काम चल पड़ा, तब से मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिली। क्यों? क्योंकि लाभ उठा के पत्नी को दिया था, जैसे ही पत्नी आई उसके लाभ में इजाफा होना शुरू हो गया, वो उस कुंडली का एडवांटेज हो जाएगा, पत्नी के लिए भी अच्छा हो जाएगा, लाभ के लिए भी अच्छा हो जाएगा। यहाँ से लगन पे दृष्टि डाली, क्योंकि बुध की सिर्फ एक ही दृष्टि होती है, लगन पे दृष्टि डाली तो पर्सनैलिटी के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। बुध देव आठवें घर में पड़े हों, यही बुध देव कारक कहलाए जाने वाले कुंडली के सबसे मारक ग्रह बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो यहाँ नीच के हो जाएंगे। नीचता में आने से पूर्णता जिंदगी बंदा हमेशा लाभ के पीछे भागता ही मिलेगा, वो कभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि बुध देव नीच के हो गए, दूसरी बात सबसे गलत भाव में चले गए, हमेशा धन का अभाव, परिवार को गलत समझना, वाणी में कटुता आनी, लाभ में कमी रहनी, ये सारे फैक्टर आठवें घर का पड़ा बुध आपको देगा। अगर बुध देव नवम घर में पड़े हों, हमने लाभ और धन उठा के अपने पिता को दे दिया, जब से जातक का जन्म होगा वो पिता के लिए बहुत लाभकारी होगा, पिता को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इम्प्रूवमेंट उसमें ज़रूर मिलेगी, जातक धर्म को मानने वाला होगा, जातक बुद्धिमान होगा, परिवार को उठा के उसने भाग्य में रख दिया तो परिवार को भी उसके बाद एडवांटेज मिले। आप कई ऐसे केसेस देखे होंगे आपने, माता पिता आते हैं चल के या उसके रिश्तेदार आते हैं, जी ये जातक, ये बच्चा पैदा हुआ है, बताइए ये परिवार के लिए कैसा है। तो ऐसे जातक को आप बोल सकते हो कि अगर धन कुटुंब और लाभ का स्थान का मालिक अगर पिता के स्थान में चला गया तो वो जातक परिवार के लिए बहुत अच्छा हो गया, वो बच्चा परिवार को एडवांटेजेस सदा देगा। बुध देवता यहाँ पड़े हों कर्म स्थान पर शुक्र की साधारण राशि में, यानी दसवें घर में, कामकाज के घर में, अगर बुध की दशा अंतरदशा चलेगी और बुध में ज़रा सा भी बल हुआ तो वो बंदा ट्रेडिंग में या बुद्धि से रिलेटेड काम, जैसे सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, ये सीए बनना या वकालत करना या एमबीए करके कहीं बड़ी अच्छी जॉब करना, यहाँ वो बड़ा अच्छा एडवांटेज आपको देगा और उससे बंदा बहुत अच्छे लाभ गेन करेगा,
ट्रेडिंग भी करवाता है बुद्धदेव का, बुद्धदेव ट्रेडिंग का कारक भी है। कोई चीज़ इधर से ली 100 रुपये की, 125 में दे दी, ऐसी ट्रेडिंग में बहुत मुनाफा करवाता है बुद्धदेव। तो जब भी उसकी दशा अंतरदशा चलेगी, अगर बुद्ध देवता 10वें घर में प्लेस्ड हुए और उसमें बल हुआ, तो ये याद रखिएगा दर्शकों, ये आपको एडवांटेज देने वाला है। इसको सदैव यहाँ पन्ना पहन के रखिएगा ताकि लाभ में सदा एडवांटेज आपको मिलता रहे। बुद्ध देव यहाँ बैठे हों अपनी साधारण राशि में, अपनी दशांतर दशा में ये बहुत अच्छा लाभ देंगे। बड़े भाई बहनों से भी लाभ देंगे, लेकिन छोटी मोटी बीमारियाँ भी रख सकते हैं आपको। क्यों? क्योंकि ये छोटी बीमारी, छठे से छठा घर भी है, ये बीमारियों का घर भी है। छोटी मोटी बीमारियां कर देंगे, लेकिन लाभ बहुत लेकर के आएंगे, एडवांटेज मिलेगा पूरे परिवार को इस चीज़ का। ये चीज़ आपको सदैव ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहाँ वो अपने राशि के पड़े हैं, स्वग्रही जिसको बोलते हैं, वो एडवांटेज उसको सदा मिलेगा। बुद्ध देव अगर 12वें घर में आ जाएं, सदैव पैसे का अभाव उस जातक को रहता है, वो जातक परिवार से भी दूर चला जाता है, क्योंकि धन कुटुंब वाणी और लाभ का मालिक खर्च में चला गया। आएंगे पैसे बाद में, जाने को खर्चा पहले तैयार खड़ा है, क्योंकि बुद्ध देवता 11वें में प्लेस्ड है। पैसे के लिए सदा उस इंसान को जद्दोजहद जिंदगी में करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, खपना पड़ेगा, भागदौड़ सदैव लगी रहेगी। जितनी उसमें कैपेबिलिटी होगी उसके मुताबिक कभी भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो प्रिय दर्शकों, मैं एक बार फिर फाइनल रिविजन कर दूं, यहाँ बुद्ध देवता पड़े बहुत अच्छे, यहाँ बुद्ध देवता दूसरे घर में पड़े अच्छे, तीसरे में बहुत अच्छे नहीं फल देंगे, चौथे में बुद्ध देवता अच्छे होंगे, पांचवें में बुद्ध देव अच्छे होंगे, छठे में बुद्ध देव बहुत बुरे हो जाएंगे, सातवें घर में अच्छे होंगे, आठवें में बुरे होंगे, नौवें घर में अच्छे, दसवें घर में अच्छे, ग्यारहवें घर में अच्छे, बारहवें में अति बुरे। तो चार घरों में याद रखिएगा दर्शकों, बुध कभी अच्छा फल नहीं देंगे, तीसरे, छठे, आठवें और बारहवें, बाकी हर जगह वो अच्छा फल देंगे। शर्त सिर्फ इतनी है कि डिग्री वाइज उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए, वो सूरज के साथ सट के अस्त ना हो, अगर अस्त हुआ तो वो अपने रिजल्ट्स में सदैव कमी रखेगा। 1, 2, 3 और 4 यानी तीसरा घर, छठा घर, आठवां घर और बारहवें घर में कभी भी पन्ना मत पहनिएगा जब तक वो अस्त ना हो। पन्ना तभी पहनिएगा जब वो अस्त हो, बाकी सब घरों में, केंद्र में, त्रिकोण में या उसके अपने घरों में आप पहन सकते हो, लेकिन 3, 6, 8, 12 में सिर्फ तब पहनिएगा अगर बुध अस्त हो गया हो। इसके कलर को एक्टिवेशन देने का मतलब है अपने धन कुटुंब परिवार लाभ को एक्टिवेशन देना, ये सदैव आपके लिए अच्छा होगा। एक बार दर्शकों को ध्यान दीजिएगा, ये कभी नीच का मत पहनिएगा छठे में, बारहवें में और तीसरे में, अगर आपने पहना तो ये इन घरों के रिजल्ट देना शुरू कर देगा। तीसरे में पहना मेहनत बढ़ाएगा, छठे में पहना तो रोग ऋण शत्रु दुर्घटना बढ़ाएगा, आठवें में पहना ऑब्स्टेकल्स बढ़ाएगा और बारहवें में पहना तो खर्च बढ़ाएगा। इस हिसाब से इसको देखिएगा और अपनी कुंडली में खुद एनालाइज कीजिएगा। जाते जाते दर्शकों आपको टिप ऑफ द डे दे दूं, आपने अक्सर सुना होगा घर में प्रॉब्लम्स, अब संसार तो है ही प्रॉब्लम्स का दूसरा घर, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं, लेकिन हमारा कभी कभी आके दोस्त मित्र बंधु सखा जो आते हैं हमारे पास कुंडलियां दिखाने, वो आके सारे बताते हैं सर मन कभी शांत नहीं हुआ जिंदगी में, मन भागम भाग में लगा ही रहता है। तो इसका सबसे उत्तम वे आउट क्या है? अगर आप अफोर्ड कर सको तो घर में एक फिश एक्वेरियम ला के ज़रूर रखो। अगर आप उसके सामने बैठ करके थोड़ा टाइम उनको देखते हो मछलियों को, या उसमें चलते हुए जल को देखते हो, या उसमें जो बबल्स का वो सिस्टम होता है अगर उसको थोड़ी देर वॉच करते रहते हो, तो मन आपका ज़रूर शांत हो जाता है और दुनिया के इन कलह क्लेशों से निकलने का मन थोड़ी देर के लिए रास्ता ढूंढ लेता है, और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये। हर उस घर के लिए बेनिफिशियल हो जाता है जिसमें लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता है, कलह क्लेश ज़्यादा मचता है। मान लीजिए अगर आप नहीं कर सकते तो नहर के आसपास जाके 10 मिनट खड़े ज़रूर होइए, चलते पानी को देखिए, उससे भी मन शांत होता है, क्योंकि वो रेज आपकी बॉडी में पॉजिटिव देता है। चंद्रमा जो होता है वो जल का रिप्रेजेंटेटिव होता है, जल चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है उल्टा, तो वो उस हिसाब से रेज का सिस्टम आपको शांत करने में और हेल्प करने में, पॉजिटिव एटीट्यूड में वो रिजल्ट देता है, वो पॉजिटिव एटीट्यूड कर देता है इंसान का। आज इसी के साथ
सबके लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि हम पर, हमारे परिवार पर, आप पर आप। Thank you.